सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत नौगई सेकंड के थपना गांव में पावर ग्रिड टावर लाइन का काम किया जा रहा है। ग्रामीण छठीलाल सिंह गौंड, बब्बू सरक्कर तथा रामलल्लू विश्वकर्मा का आरोप है कि उनके पट्टे के जमीन में टावर लगाया गया है, लेकिन उन्हें मुआवजे एवं फसल नुकसानी के रूप में 1 रुपए भी नहीं दिए गए हैं। जबकि उसी गांव में 5 टावर लगाए गए हैं, जिसका मुआवजा 3 से 4 लाख दिए गए हैं। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से मुआवजे का वितरण किया जा रहा है। कहना ये है साहब कि हम मुआवजा एक कुछ नहीं पाए ही, हम एक मुआवजा नहीं पाए ही, हमके नुकसानी 50,000 दिए के कहे हैं, पैओ में से 15,000 हमके दे हैं, बकाया हमके पैसा नहीं दे है 1 रुपया। और टावर का कहे हैं कि हम देव कितना की 4 लाख रुपया देव, एक एक टावर का 1-1 लाख रुपया देव। साजा का कहे हैं 1 लाख रुपया देव, 50,000 केला का हमारे देवे कहे हैं, 50,000 हमारे सीताफल के देवे के कहे हैं, हमारे आंगन खन दे हैं, हमार द्वार सब खन के सब आगे धे दे हैं। अब कहे हैं हम कहाँ जाए साहब, हम क्या कहें कि हम जल्दी से मुआवजा दे दे, हमके मुआवजा नहीं दे हैं 1 रुपया, 15,000 रुपया दे हैं, एकरे आगे पैसा नहीं दे हैं। तो अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सब मिल जाए, अपन तार तने अपन सब कुछ करें, और नहीं मिलेगा तो हम तार तने दे मैं कुछ करे दे, हम महा कौरहा हो गए। तो कितना पैसा चाहिए आपको, कितना देने का वादा किया गया था टावर लाइन? हम क्या 5 लाख कहे हैं कि देव हम टबरे का, और 50,000 ओगर केला का, और घर की मुआवजा देवे के कहे हैं 1 लाख, घर के कहे हैं मुआवजा दे। घर का मुआवजा क्यों देंगे, टावर का देंगे कि घर का देंगे? घर का कहा बोले हैं कि हम सब मिला के मुआवजा देंगे, घर की मुआवजा देवे कहे हैं 6 लाख, घर की घर के सताई का टावर गड़ा हुआ है। साहब मुआवजा 1 रुपया नहीं मिला है, नुकसानी नहीं मिला है, और टावर हमारे खेत में गड़ा। हमारा नाम छठीलाल सिंह गौड़ है, और वह 169 नंबर में हमारा खेत है, उसी जमीन में टावर गड़ा है, 1 रुपये हमें नहीं मिला है। और जितने टावर हैं तो कोई बोल रहा है कि हमको 3 लाख मिला है, केव कहा 5,000 मिला है, केव कहा था 2 लाख मिला है, हमको 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा जी, तो इस बात को लेकर आपके क्या कहना होगा, आप क्या चाहते हैं इस विषय में? अरे हमको मिलना चाहिए, नुकसानी मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए साहब। इसके पहले टावर लाइन के जो अधिकारी आए होंगे, आपसे बात हुई होगी, तो कितना देने की बात हुई थी? अरे साहब कुछ नहीं, नोटिस भर टिका दिए हैं, कुछ नहीं दिए। अभी तक आपको 1 रुपये नहीं मिला? नहीं मिला है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब तक हमारा टावर या मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ कुछ नहीं करने देंगे। अच्छा जी, गया है मुआवजा मेरे को सर ऐसा दिया गया है कि वो जो अधिकारी आया था बोला कि मैं ये काम भारत सरकार लिमिटेड है, इसमें भरपूर मुआवजा दिया जाएगा, पर वो मुआवजा देते देते किसी को नुकसानी तक भी नहीं दिया है, ऐसे करके भरपूर है, और किसी को कुछ भी नहीं दिया है, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 1.5 लाख ऐसे पैसा सर दिया है, और सभी लोग परेशान हैं, और काम भी इसमें कराया गया है, तो ये ऐसी काम लोकल भी कराया गया है, किसी दिन ये किसी को घर बनाने लायक नहीं है, किसी के ऊपर भी गिर सकता है, ऐसे ही काम इसमें चालू किया है, और लोग परेशान भी है। हम लोग आना होगा। हाँ साहब, हमारे टावर जो जमीन में गाड़ा गया है उस टावर का हमारा मुआवजा जो है अभी नहीं दिया है, नुकसानी 5,000 लगभग दिया है, एक बार 10,000 दिया है, इसके बाद कोई नुकसानी नहीं दिया है, बोलता है कि अब देंगे तब देंगे, ऐसे करके वो आज भी नहीं दिया पैसा, मेरे को झुला के रखा, किसी को 3 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख ऐसे मिला, और हमको कुछ भी नहीं मिला। अब हम साहब क्या करें, हम तो मजबूर हैं, मर जाएंगे, हमारा पूरा घर फंस गया है, जो कि घर बनाने का जगह नहीं है, अब ये पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा पूरा परिवार हम भी मर जाएंगे साहब, इसलिए हमारा मुआवजा और प्लस खेते का नुकसानी हमको ये सब मिलेगा, तभी तो हम एक तार खींचने देंगे नहीं सर, जब तक तार पैसा नहीं पाएंगे मुआवजा, जब तक हम तार खींचने नहीं देंगे।